Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. In today's video, we are going to do a topic of class 11, chapter 1, sets. Today we are going to discuss NCERT solutions of miscellaneous exercise, which is very important. So let's get started with that. So we are taking questions from the back, matlab 16th question se start karenge. Jo log aapke long questions hai, wo problem based aate hain. Venn diagram se karo, fatafat ho jayenge. Jo agar तीन सेट्स वाले क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम से करना. चलो एनसीईआरटी बुक निकालो एंड स्टार्ट रीडिंग. क्वेश्चन 16th इज, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी. तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए कितना गिवन है, एन हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, दैट इज 21, एन बी 26, एन सी 29. नेक्स्ट आपको गिवन है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी. एंड का मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है और का मतलब यूनियन की बात हो रही है. सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 14. इसी तरह नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए आर 12. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी आर 14. एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड ऑल द प्रोडक्ट ए एंड ए बी सी. ऑल द प्रोडक्ट ए बी सी मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको 8 गिवन है. आपको निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ठीक है, ओनली भी लिखना है, ओनली प्रोडक्ट सी. अब जिसको सी पसंद है, सी प्रोडक्ट पसंद है, उसमें कौन से आ गए, 29 वो लोग आ गए जिसको सी पसंद है. उस सी में आपका वो लोग भी आ गए जिसको प्रोडक्ट ए भी पसंद है, प्रोडक्ट बी भी पसंद है, प्रोडक्ट सी भी पसंद है इस 29 में, ठीक है. सी ओनली में वो लोग हैं जिसको ओनली सी प्रोडक्ट पसंद है, ए भी पसंद नहीं है. वेन डायग्राम से करो, जितनी भी सेट है उतना सर्कल बना लो. बना लिए, ए बी सी है, तीन सर्कल बना लिए और फिर यूनिवर्सल सेट इन तीनों सर्कल को कंटेन करेगा, ठीक है, बॉक्स से हम बनाते हैं, राइट. सो अब देखो, शुरू हो जाओ. कहाँ से शुरू करना है, सबसे छोटे से, जो सबका इंटरसेक्शन है वहां से लेना है. सो इंटरसेक्शन तीनों का 8 है. सबसे पहले आपको लिखना है इंटरसेक्शन. बेटा यहीं से शुरू करना है वेन डायग्राम. अगर सीधा ए से स्टार्ट कर दोगे ना तो मिस्टेक हो जाएगी. मिस्टेक क्या, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. So you have to take intersection of all the parts, that is 8. आप दो दो के इंटरसेक्शन ले लो. ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 15, 14. ए इंटरसेक्शन बी मतलब दिस पार्ट इज गिवन टू यू 14. जितने भी सर्कल में पार्ट्स है ना सेपरेटली, जैसे दिस पार्ट, 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 उनकी वैल्यूज निकालो. एक बार निकालोगे वैल्यू, कितने भी पार्ट आ जाए सब एक स्टेप आंसर हो जाएगा. देखो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 14, मतलब दिस कंप्लीट इज 14. अब इतने पार्ट की वैल्यू निकालो, इस पार्ट की वैल्यू निकालो, वो क्या होगी, 14 माइनस 8 दैट इज 6. इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है 14, है ना, बी इंटरसेक्शन सी ये है, गिवन है 14. तो अब आप इस पार्ट की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 14 माइनस 8 दैट इज 6. अब आपको ए इंटरसेक्शन सी गिवन है 12, मतलब ये पार्ट आपको गिवन है 12. अब आप इस पार्ट की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, 12 माइनस 8 दैट इज 4. अब आ जाओ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए. नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए मतलब दिस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू आपको 21 गिवन है, है ना. अब आप इस पार्ट की वैल्यू निकाल लो. ये पार्ट क्या है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए ओनली, है ना. अब जो हमें 21 गिवन है उसका मतलब है कि 21 वो लोग है जिसको ए भी पसंद है और जिसको सी भी पसंद है और जिसको बी भी पसंद है ना. अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल रही हूँ, मतलब दिस पार्ट इज नथिंग बट पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, ठीक है, तो वो क्या होगा, 21 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4. सो दिस इज योर माइनस 4, ठीक है, माइनस 4. तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, योर आंसर कम्स आउट टू बी 3. सो जिनको सिर्फ ए प्रोडक्ट पसंद है वो कितने लोग हैं, 3, राइट. इसी तरह से एन बी आपको गिवन है 26, मतलब दिस कंप्लीट सर्कल इज 26 गिवन टू यू. अब मुझे सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी ओनली, वो क्या आएगा, 26 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 दैट इज 6. इसी तरह से एन सी आपको गिवन है 29, सो दिस इज कंप्लीट इज 29. इसमें वो पीपल भी हैं जिनको सी के साथ साथ ए भी प्रोडक्ट भी पसंद है, ये वाले भी तो लोग हैं ना. सो मुझे अगर इतना पार्ट निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो वो क्या होगा, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6 दैट इज 11. सो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. सी ओनली कितने आ गए मेरे, 11. इसमें और कुछ भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए ओनली वो 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी ओनली वो 6 हो जाएंगे, है ना.
क्वेश्चन नंबर 15 इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल. देखो आपको क्वेश्चन में कभी भी ये मेंशन हो इन अ सर्वे ऑफ दिस नंबर ऑफ पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ दिस नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है. वो यूनियन नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आपने सर्वे किया है इस ग्रुप के पीपल का, इतने लोगों का, दैट इज यूनिवर्सल सेट. सो एन यू आपको गिवन है 60. इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच. सो एन एच कितना हो गया 25. इसी तरह से न्यूज पेपर टी कितने पढ़ रहे हैं 26, न्यूज पेपर आई कितने पढ़ रहे हैं 26. ठीक है, उसके बाद आपको गिवन है Both H and I means the H intersection I given है आपको N. इसी तरह H intersection T 11 given है, T intersection I 8 given है, and 3 read all the 3 newspapers. मतलब तीन ऐसे लोग हैं जो तीनों ही newspaper पढ़ते हैं, तो तीनों का intersection given है. First में you have to find the number of people who read at least one of the newspaper. At least one of the newspaper मतलब कि एक तो पढ़े, एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं. एक पढ़ रहे हैं या दो पढ़ रहे हैं या तीनों पढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या निकालना है N of H union T union I. ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब एक भी पढ़ सकता है, दो भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं, राइट. या तो आप फॉर्मूले से कर लो. देखो अगर इस चैप्टर की थ्योरी आपको समझ नहीं आई है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके इस चैप्टर की थ्योरी रेफर कर सकते हैं. ठीक है, पहले थ्योरी रेफर करो, फॉर्मूले रेफर करो, उसके बाद क्वेश्चंस करना. N of A union B union C का फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, सारी क्वांटिटीज गिवन है, सो आपको मिल जाएगा 52. और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो. कैसे कर लो, देखो 16th क्वेश्चन में मैं बना चुकी हूँ वेन डायग्राम कैसे बनाना है, बार बार इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है, सो एच टी और आई लिख लिया. सबसे पहले आपको तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है 3, फिर दो दो का इंटरसेक्शन लिखना है. दिस इंटरसेक्शन इज गिवन टू यू, एच इंटरसेक्शन आई 9 गिवन है, तो ये पार्ट कितना हो गया 9 - 3. T intersection I आपको 8 given है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 5. H intersection T given है आपको 8, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, H intersection T आपको given है 11, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया 8. उसके बाद कंप्लीट H आपको given है 25. आपको सिर्फ H only निकालना है, ये पार्ट निकालना है, तो इसमें -8 - 3 - 6 कर दो. अगर आपको ये पार्ट निकालना है, आपको कंप्लीट ये वाला पार्ट 26 गिवन है, तो उसमें -8, 3 और 5 कर दो. अगर आपको ये कंप्लीट गिवन है 26, आपको सिर्फ आई ओनली निकालना है, तो आप क्या करोगे, 6, 3 और 5 को माइनस कर दोगे इसमें, है ना. तो 16th क्वेश्चन में डिटेल में बता चुकी हूँ वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं. ठीक है, ये मैंने वेन डायग्राम बना लिया. अब वेन डायग्राम से अगर आपको निकालना है तीनों का यूनियन, तो क्या करो, ये जो बॉक्सेस है ना सबको ऐड कर दो. दैट इज 8 + 8 + 10 + 5 + 3 + 6 + 12, आपका आ जाएगा 52. ठीक है, सेकंड, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़े, मतलब या तो H वाला पढ़ रहे हैं या T वाला पढ़ रहे हैं या I वाला पढ़ रहे हैं. ठीक है, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर H वाला पढ़ रहे हैं वो कितने लोग हैं, 8. सिर्फ H वाला पढ़ रहे हैं 8. सिर्फ T वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 10. सिर्फ आई वाला न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं वो कितने, 12. सो टोटल आपके पास कितने आ गए, 30. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ. तो एच हिंदी के कितने हैं, 100. ई इंग्लिश का डिनोट किया, दैट इज 50. और दोनों जो दोनों स्टूडेंट्स जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों लिए है, दैट इज 25. आपको बताना है अगर हर स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश आती है, तो आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रुप में. हर स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश आती है तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, यूनियन, डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट. सो 125 इज योर आंसर. 13th क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स मतलब यूनिवर्सल सेट गिवन है. ठीक है, सर्वे हुआ है या कोई ग्रुप गिवन है कि ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स गिवन है, तो वो मतलब यूनिवर्सल सेट गिवन है, दैट इज 600. 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी. टी कितने लेते हैं, 150. कॉफी कितने लेते हैं, 2 to 5. दोनों कितने लेते हैं, 100. ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज गिवन है. आपको बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकन नाइदर टी नोर कॉफी. ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको ना तो टी पसंद है ना कॉफी पसंद है. मतलब यू हैव टू फाइंड टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, डी मॉर्गन्स अगर थियोरेटिकली आपको करना है तो आप डी मॉर्गन्स लो लगा दो. टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट. एंड टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से अगर मैं माइनस कर दूं टी यूनियन सी, तो मेरा टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. सो टी यूनियन सी कैसे निकालोगे, एन टी प्लस एन सी माइनस इंटरसेक्शन.
सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट सब्सिट्यूट करना है 325। अगर आप ये कहते हो कि हमें थ्योरेटिकल नहीं करना, हमें वेन डायग्राम से करना है, तो कैसे करोगे? यूनिवर्सल सेट, दिस कंप्लीट सेट इज गिवन टू यू 600, दिस इज टी, दिस इज सी, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेते हो, दैट इज 100, ठीक है। टी आपको गिवन है 150, अगर टी ओनली वाले निकालने हो तो 150 माइनस 100 दैट इज 50। सी आपको गिवन है 225, अगर मुझे इतना पार्ट निकालना है, ओनली सी वाले निकालने हैं तो कितने आएंगे? 225 माइनस 100 दैट इज 125। अब आपको वो लोग निकालने हैं जो ना तो टी पसंद करते ना कॉफी ना दोनों, मतलब कि पहले तो इनको ऐड कर दो, मतलब कि ये जो भार वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये निकालना है जो टी और सी में नहीं आ रहा है, ये भार वाला पार्ट ये निकालना है आपको, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको ना टी पसंद है ना कॉफी, ठीक है। तो मतलब कि 50 प्लस 100 प्लस 125 करो और उसको 600 में माइनस कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 325। 12th क्वेश्चन इज फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। ए बी सी सेट निकालना है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन करूं इन तीनों का, वो नॉट इक्वल्स टू 5 आए, और जो तीनों का इंटरसेक्शन करूं तो 5 आए। ऐसा कोई एग्जांपल बता दो, ए बी सी सेट बता दो, जिसमें अगर मैं दो दो के इंटरसेक्शन करूं तो उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन करूं तो 5 आए। देखो इस तरह से ले लो कि ए बी में एक एलिमेंट कॉमन है, बी सी में एक एलिमेंट कॉमन है, और जो बी सी का एलिमेंट कॉमन है वो ए में नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने इसमें सी, बी और सी में 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरा? 3। और बी और सी में मैंने 5 कॉमन ले लिया, पर ये 5 मैंने ए में नहीं लिया, है ना, तो ये नॉट इक्वल्स टू 5 आ गया, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी 5 आ गया। अब ए और सी में जो एलिमेंट कॉमन है वो बी में नहीं होना चाहिए, जैसे ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2, ठीक है। मतलब कि जब आप दो दो का इंटरसेक्शन ले रहे हो ना, वो तीसरे में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वही आपका आंसर है। आप तीनों का इंटरसेक्शन करोगे तो तीनों में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दीज आर द एग्जांपल। नाउ 11th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, दो सेट ले लिए ए एंड बी। कंडीशन गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। ए का इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ या बी का इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ, वो 5 आएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सेट्स हैं और दोनों का यूनियन सेम है, ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू ए बी यूनियन एस, तो यू हैव टू शो दैट ए इक्वल्स टू बी। देखो वैसे भी अगर आपको समझना है तो वैसे भी अगर हमारा दो सेट्स का इंटरसेक्शन किसी एक सेट के साथ 5 आ रहा है और यूनियन सेम आ रहा है, तो हमेशा ए जो है, ए और बी सेम सेट होंगे। अगर ए और बी अलग सेट है तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड ही करती है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। देखो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, है ना। ए सेट का इंटरसेक्शन करूंगी ए यूनियन एक्स के साथ, एक्स कुछ भी हो, इंटरसेक्शन कर रही हूं तो ए सेट ही आएगा। और बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि बी का इंटरसेक्शन आप किसी के साथ भी करो, बी यूनियन एक्स में क्या होंगे, बी के सेट भी आएंगे प्लस एडिशनल एलिमेंट्स भी आएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आएंगे एक्स, ठीक है। सो अब आप दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो वो बी ही आएगा, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब ए को मैंने जो लिखा है ना, अब ए को मैंने कैसे लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब आपको गिवन है कि जो बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स है वो बी यूनियन एक्स के इक्वल आता है, तो ए यूनियन एक्स की जगह मैंने बी यूनियन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे लगा दो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। आपको गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स तो 5 है, गिवन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन अगर किसी एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो वही तो सेट आएगा। तो ए अगर हमारा ए क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, सो ए अगर हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर मैं बी को भी ले आऊं ए इंटरसेक्शन बी, तो हेंस अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, हेंस ए इक्वल्स टू बी। अब बी को कैसे लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब बी यूनियन एक्स की जगह ए यूनियन एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, बी इंटरसेक्शन एक्स आपको गिवन है 5, तो बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन किसी एम्प्टी सेट के साथ वही आता है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, दैट इज ए इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज यू हैव टू शो दैट A intersection B equals to A intersection C doesn't imply B equals to C. अगर
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी इक्वल्स टू सी हो। कुछ केसेस में हो सकता है, हमेशा नहीं। अगर हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं ना, तो फॉर ऑल के लिए करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज आपको डिस्कार्ड करनी है तो एक एग्जाम्पल दे दो, आई टोल्ड यू 1000 times दिस थिंग। तो ए ले लिया 01, बी ले लो 023, सी ले लो 045। हाँ जी, अब यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है हमारा, एलिमेंट 0, मतलब तीनों में मैंने एक 0 एलिमेंट कॉमन ले लिया, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है आपस में, बस 0 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 0 एलिमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई, पर जो ए और सी सेट है वो तो इक्वल नहीं है, और ना ही बी और सी सेट इक्वल है, पर मुझे तो सिर्फ बी और सी सेट का बताना था, तो बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके आपको शो करना है। क्यों लिखा हुआ है आप ही यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, क्योंकि बच्चे वेन डायग्राम से कर देंगे अदरवाइज, ठीक है। जहां पे आपको मेंशन हो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जहां पे आपको मेंशन हो यूजिंग वेन डायग्राम, तो जो मेंशन है उसी से प्रूव करना। अगर आपको पूछा गया कि वेन डायग्राम से प्रूव करो और आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से प्रूव कर दिया, तो यू विल गेट अ बिग 0। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बोला हुआ है उससे प्रूव करना है और आपने वेन डायग्राम से कर दिया, यू विल गेट अ बिग 0, राइट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बस प्रूव दैट शो दैट है, तो आप इसे से कर दो, दैट इज योर चॉइस। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये आपको शो करना है। देखो वैसे तो दिख रहा है आपको, ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी, सोचना फिर बताना, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, हमेशा ए आएगा, वेन डायग्राम से देख लो, या फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए यूनियन ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या लगेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, वो हमेशा ए आएगा। शो कर लेते हैं कि क्यों आएगा, वेन डायग्राम से भी आप करके देख लीजिए, मैं प्रॉपर्टीज से कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है। वेन डायग्राम से बड़ा इजीली हो जाएगा। आपको पता है कि खुद का सेट खुद के सेट का सबसेट होता है या नहीं होता, यस, क्योंकि इक्वालिटी भी होती है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट, अगर ए सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, यस, क्योंकि उसमें ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, ठीक है, पर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दैट इज कॉमन पार्ट, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th, यस। अच्छा जी, अब इसका अगर मैं यूनियन ले लूं ए के साथ, अब देखो ए जो है इसका सबसेट है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आएगा। अगर मैं इसका ए के साथ ही यूनियन ले लूं तो वो सबसेट ही तो आएगा ए का, क्योंकि इसका जब मैं यूनियन लूंगी तो वो ए ही तो सेट आएगा, क्योंकि हम ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड, ये चीज होती ही होती है कि जो वो सेट है खुद ए सेट, इसका सबसेट होता ही है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट, ठीक है। ए यूनियन ए का किसी के साथ आप यूनियन कर रहे हो तो उसका वो सबसेट होगा ही होगा ए, ठीक है। सो इन दोनों से क्या आ गया, दैट ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सेकेंड, इसका रिवर्स प्रूफ करना है, मीन्स जहां इंटरसेक्शन था वहां यूनियन आ गया, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन आ गया। ऑलराइट, वी नो दैट अगर ये है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ए इंटरसेक्शन ए बन गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बन गया। अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होता है, दिस दैट इज नथिंग बट ए, हैंस प्रूव्ड, कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन 8, इसमें ए और बी दो सेट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है दैट ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं जो ए में है और प्रूव कर देंगे। अगर मैं ये लूं x belongs to A और मैं शो कर दूं x belongs to this, तो उस केस में क्या हो जाएगा, A is the subset of this। सेकंड, हम प्रूव करेंगे कि x जो है इसका एलिमेंट है और मैं शो कर दूंगी कि x A का भी एलिमेंट है, उसमें क्या हो जाएगा, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, वो तभी हो सकता है when A equals to B। अब देखो, मैंने लिया x belongs to this set, राइट हैंड साइड, इसका मतलब है जहां पे यूनियन है वहां पे और लगा दो, यूनियन मतलब और होता है। x belongs to a intersection b मतलब इंटरसेक्शन की जगह एंड लिख दो, x belongs to a minus b का मतलब x a में है पर b में नहीं है, यही मतलब होता है। अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन में एक चीज तो श्योर है,
कि x a में तो belong कर रहा है, that is for sure. This implies x belongs to a. तो उससे क्या हो गया, this is the subset of this. ठीक है, conversely क्या करेंगे, अगर x a में है, अगर x a में है तो intersection b में भी तो होगा ही होगा, intersection में common part ही तो होता है, और x जो a minus b में भी होगा, है ना, तो और की जगह आप union लिख दो. अब this is the subset of this, ये तभी हो सकता है, a is a subset of b, b is a subset of a, it is only possible when a equals to b, so दोनों equal आ गए. second part देख लीजिए एक बार, इसी लाइंस पे है, सबसे पहले ले लो x इसका सबसेट है, प्रूव कर दो फिर x x इसको बिलोंग कर रहा है, प्रूव कर दो x इसको भी बिलोंग कर रहा है. ठीक है, सेकंड केस में x इसको बिलोंग कर रहा है, प्रूव कर दो x इसको बिलोंग कर रहा है, हैंस प्रूफ दोनों इक्वल आ गए. जस्ट हैव अ लुक, देखो 8th क्वेश्चन में सिर्फ शो दैट गिवन है, ठीक है, शो दैट फॉर एनी सेट सी एंड बी, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आपको वेन डायग्राम से शो करना है, प्रॉपर्टीज से शो करना है, तो खुद से ट्राई करना वेन डायग्राम से शो करने का. ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स लगाई है. क्वेश्चन 7th, इज इट ट्रू, आपको बताना है क्या ये ट्रू है फॉल्स है. इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी, अगर मैं ए बी कोई भी सेट लू और अगर मेरा पी ए पावर सेट है, यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, अगर मेरा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है, क्या ये कभी ट्रू होगा? अगर एक भी आपको डिस्कार्ड वाला ऑप्शन मिल गया ना, देन दिस इज फॉल्स. ऐसा कोई ले लो सेट जिसमें पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी अलग आए और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी अलग आए. सिंपल, अगर मैं ए को लेती हूँ 0 1, बी को लेती हूँ 1 2, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये, सबसे सिंपल. तो ए यूनियन बी क्या होगा, 0 1 2, ठीक है. पावर सेट ऑफ ए मतलब ए के सारे सबसेट्स लिख लो, सबसे पहले 5 5, देन 0, देन 1, देन 0 1, ठीक है. अगर थ्योरी नहीं आती है पावर सेट कैसे निकालना है, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, रेफर थ्योरी. पावर सेट ऑफ बी क्या हो गया, 5 1 2 1 2, ठीक है. अब इन दोनों का यूनियन, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 5 1 2 1 2 0 1, ठीक है. अब ए यूनियन बी ये था, अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, मतलब इसके सारे सबसेट, दैट इज 5 0 1 2, फिर दो दो का ले लो 0 1 1 2 0 2, अब तीनों का 0 1 2. अब इन दोनों में एक चीज अनकॉमन है, दैट इज दिस सेट 0 1 2 0 1 2, इसमें नहीं है, हेंस आई कैन से दैट पावर सेट ऑफ पी यूनियन बी इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है. एक एग्जाम्पल दे दो टू डिस्कार्ड एनीथिंग. इन 6th क्वेश्चन, assume that power set of A equals to power set of B, मतलब आपको given है power set of A equals to power set of B and you have to show that A equals to B, ठीक है. A equals to B show करना है, मतलब एक बार ले लो x is the element of A और prove कर दो x is the element of B. second आप ले लो x is the element of B और show कर दो x is the element of A, ठीक है. x is the element of B, PA जो है power set है A का, सो जो दिस ए सेट बिलोंग्स टू पी ए, है ना, पावर सेट ऑफ ए है, तो जो ए सेट है वो पी ए में होगा और आपको गिवन है दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी, मतलब क्या हो गया कि जो ए सेट है वो पी बी में भी है, है ना. लेट अस अज्यूम दैट सी कोई भी एलिमेंट है बी सेट का, अगर सी कोई भी एलिमेंट है बी सेट का, इसका मतलब सी जो है पावर सेट ऑफ बी में भी है और पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ अब जो x था वो a में था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो x है वो c में भी होगा, जो c एलिमेंट है b का, इसका मतलब कि जो c है वो सबसेट हो गया a का, राइट. देयरफोर जो x है वो b में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है. देयरफोर a इज द सबसेट ऑफ b, इसी तरह आप b इज द सबसेट ऑफ a दिखा दो, इसी लाइंस पे x b का एलिमेंट लेके शो कर दो, c कोई भी एलिमेंट है a का, और फिर शो कर देना कि x a का भी एलिमेंट है, ठीक है. Hence proved. All right. Next 5th question. Show that if A is a subset of B, अगर A subset of B है, you have to show that C minus B is the subset of C minus A. ठीक है. ये show करने के लिए क्या करना है? X कोई भी element लेना है C minus B का और show करना है X element है C minus A का. ठीक है. If X is the element of C minus B, इसका मतलब X C में है पर X B में नहीं है. ठीक है. अब आपको ये पता है A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, X C में है, X doesn't belongs to A. अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो वो A में कैसे होगा, क्योंकि A is a subset of B का मतलब है B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स हैं. अगर X जो एलिमेंट है B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा, तो इससे क्या हो गया, X belongs to C minus A.
तो x आपने लिया था c माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, आप आ गए x बिलोंग्स टू c माइनस ए, हैंस c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको शो करना है कि ये चारों कंडीशंस इक्वल है, मतलब अगर मैं ये दिखा दूं, वन इक्वल्स टू टू, टू इक्वल्स टू वन, वन इक्वल्स टू थ्री, थ्री इक्वल्स टू वन, 1 equals to 4, 4 equals to 1 दिखा दूं, so my work is done, है ना? आपस में equal हो जाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 equals to 2, ठीक है? सबसे पहले मैं 1 equals to 2 दिखाऊंगी, फिर 2 equals to 1 दिखाऊंगी, मतलब 1 से 2 पे आएंगे, 2 से 1 पे आएंगे, मतलब कि given A is the subset of B, I have to show that A minus B equals to 5, ठीक है? So A is the subset of B है। Let b minus a minus b not equals to 5. Contradiction से करेंगे, मुझे show करना है a minus b equals to 5, so मैंने contradiction से किया है a minus b doesn't belongs to, is not equals to 5, मतलब empty नहीं है, empty नहीं है तो मतलब कोई एक element exist करेगा a minus b में, a minus b में let us assume that x exist कर रहा है, इसका मतलब है कि x a को belong कर रहा है, b को belong नहीं कर रहा है, यही मतलब है a minus b का, ठीक है? अब a इज द सबसेट ऑफ b है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि x a को बिलोंग करे b को ना करे? b में तो सारे एलिमेंट्स a के है ही, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट a माइनस b नॉट इक्वल्स टू 5, हेंस a माइनस b इक्वल्स टू 5। हो गया यहां तक। अब मैं शो करूंगी कि सेकंड कंडीशन दैट इज a माइनस b इक्वल्स टू 5 गिवन है, अब मैं शो करूंगी कि a इज द सबसेट ऑफ b है, a माइनस b इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब x जो है a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है? सो x बिलोंग्स टू b, एज x, अगर देखो अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x b में भी बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि x अगर b में बिलोंग नहीं करेगा तो a माइनस b नॉट इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, है ना? x माइनस b नॉट इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, मतलब हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो a में है b में नहीं है, इसलिए अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग करेगा, hence a is the subset of b। तो इन दोनों से क्या आ गया, क्या मिल गया मुझे इन दोनों कंडीशन से, कि a इज अ सबसेट ऑफ b इक्वल्स टू a माइनस b इक्वल्स टू 5, मतलब 1 इक्वल्स टू 2। अब मैं शो करूंगी 1 इक्वल्स टू 3, उसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी दैट a इज अ सबसेट ऑफ b लूंगी और मैं शो कर दूंगी a यूनियन b इक्वल्स टू b है। सो लेट a इज अ सबसेट ऑफ b, टू शो a यूनियन b इक्वल्स टू b, सबसे पहले मैं शो करूंगी कि b सबसेट है a यूनियन b का, शो करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑब्वियस। अगर आप दो सेट का यूनियन लेते हो तो उसमें से कोई भी एक सेट, आइदर ए या बी, उसका सबसेट ही तो होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में बी के भी एलिमेंट्स है प्लस ए के भी एलिमेंट्स है, तो इट इज ऑब्वियस दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब मुझे सिर्फ इतना शो करना है कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, केस वन ले लो, x belongs to b। उससे पहले एक और चीज देखो, मैंने ये शो कर दिया दैट b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b, इसको शो करने की जरूरत नहीं होती, मैं फिर से बता रही हूँ, a यूनियन b में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो b में भी है a में भी है, तो b सबसेट होगा a यूनियन b का, इसी तरह a सबसेट होगा a यूनियन b का, पर हमें a की जरूरत नहीं है, हमें शो करना है a यूनियन b इक्वल्स टू b है। अब मैंने b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b कर दिया, अब मुझे शो करना है a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b, उसके लिए मैं एक एलिमेंट लूंगी a यूनियन b में, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब है x जो है वो a में भी है b में भी है, है ना? तो हमें दोनों कंडीशन लेनी है, अगर x b में बिलोंग करेगा इट मींस a यूनियन b जो है वो सबसेट हो गया b का, दिस इंप्लाइज a यूनियन b इक्वल्स टू b, अगर x a में है इसका मतलब कि x b में भी होगा, अगर x a में है, x b में है, a इज द सबसेट ऑफ b आपको गिवन है ना, आप प्रूव कर रहे हो 1 इंप्लाइज 3rd, तो अगर x b में है तो ठीक है a यूनियन b b ही होगा, क्योंकि b जो है सुपर सेट है a का, है ना? यहाँ से अगर x a में है तो x b में भी होगा, क्योंकि a b का सबसेट है, है ना? दिस इंप्लाइज a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a, और इन दोनों कंडीशन से a यूनियन b इक्वल्स टू b आ गया, ठीक है? अब मुझे शो करना है, अगर मुझे थर्ड कंडीशन गिवन है तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब a यूनियन b इक्वल्स टू b है तो मुझे शो करना है a इज द सबसेट ऑफ b। कैसे करूंगी मैं? a यूनियन b इक्वल्स टू b आपको गिवन है, मतलब कि x अगर मेरा एलिमेंट है a का, तो x जो है a यूनियन b का भी एलिमेंट होगा, है ना? क्योंकि क्यों होगा, अगर x a का एलिमेंट है तो a यूनियन b का तो होगा ना, a यूनियन b में a के भी तो एलिमेंट है,
तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ x इज बिलोंग्स टू b, क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे गिवन है a यूनियन b इक्वल्स टू b है, तो a यूनियन b की जगह b रख दो, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a x बिलोंग्स टू a लेके चली थी, x बिलोंग्स टू b मैंने प्रूव कर दिया. सो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया था 1 इंप्लाइज 3, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया 3 इंप्लाइज 1, सो मैं कह सकती हूँ 1 इक्वल्स टू 3. अब मैं 1 इक्वल्स टू 2 प्रूव कर चुकी हूँ, 1 इक्वल्स टू 3 प्रूव कर चुकी हूँ, अब मैं 1 इक्वल्स टू 4 प्रूव करूंगी. अब देखो 1 इक्वल्स टू 4 के लिए मतलब आपको क्या प्रूव करना है, आपको गिवन है 1 लेके चलना है, मतलब a जो है वो सबसेट है b का, ये लेके चलना है, और आपको प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a आ जाए. a इज द सबसेट ऑफ b आप लेके चलोगे, आपको शो करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a आ जाए. ठीक है, आप देखो अब आपको ये तो पता है ना कि दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लू वो हमेशा एक सेट से छोटा आएगा, यूनियन में उल्टा हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए सेट से छोटा होगा या उसके इक्वल आएगा, है ना, इट इज ऑब्वियस. तो एक हमारी ये कंडीशन हो गई. अब मैं इतना शो कर दूं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए. अब मुझे क्या करना है, ये शो करना है दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. उसके लिए एक्स कोई भी एलिमेंट है ए का लेके चलूंगी और मैं शो कर दूंगी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना. अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए जो है सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब एक्स ए में भी है और बी में भी है. तो A is the subset of A intersection B or not by this condition. ये तो obvious condition है कि कोई भी intersection छोटा होता है किसी भी set से, पर अगर X A intersection B में है तो A subset होगा A intersection B का कि नहीं, क्योंकि X A में भी है X B में भी है, इसका मतलब यही होता है. तो इन दोनों से क्या आ गया, A equals to A intersection B. ठीक है, अब मुझे show करना है fourth implies one, मतलब fourth क्या है, A intersection B equals to A. ये आपको गिवन है, आपको शो करना है ए इज द सबसेट ऑफ बी. सो इसका मतलब है एक्स अगर ए में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन अगर एक्स ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में तो होगा ना, क्योंकि ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में होगा. यहां से हमेशा ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मैं इसीलिए आपको इस तरीके से बता रही हूँ जस्ट टू कंफ्यूज योर सेल्फ. एक्स अगर ए में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, इसका मतलब x b में भी है x a में भी है. ठीक है, x हम a में लेके चले थे और x हमने b में प्रूव कर दिया, hence a is the subset of b, it means 4 equals to 1 हो गया, hence proved. In question 3, let a b c be the set such that, इस तरह से a b c set, a union b equals to a union c है, a intersection b equals to a intersection c है, आपको शो करना है b equals to c. ठीक है, कैसे करेंगे, अगर मैं x belongs to b लेके चलूं तो मैं ये शो कर दूंगी that x belongs to c सबसे पहले. ठीक है, अब देखो x belongs to b है, इसका मतलब x belongs to a union b भी तो होगा, है ना, b में है तो उसके union में belong करेगा, इसका मतलब x जो है a union c में भी belong करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि a union b equals to a union c given है, इसलिए करेगा. ठीक है, hence इसका मतलब है x या तो a में है या c में है. ठीक है, अगर x a में है तो x b में भी है. देखो यहां से इतनी अच्छी चीज आई है, इससे आ गया x a में है या x c में है, इससे आया है x a में है x b में है, इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b में है, मतलब यहां से x a में है या x c में है, और यहां पे देखो यहां पे हमने लिया था x b में तो है ही है, x a में है x b में है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमने लिया एक्स बी में है, मतलब एक्स बी में तो है ही है. ठीक है, यहां से आ गया एक्स, यहाँ इसमें बी तो नहीं है, यहां से क्या आया एक्स ए या एक्स सी में है, तो एक्स ए में तो होगा ही होगा, राइट, दैट्स व्हाई एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. तो यहाँ इन दोनों इससे क्या आ गया, बी इज द, यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इंप्लाइज बी is the subset of A intersection P. यही आ गया ना, क्योंकि हम x belongs to B लेके चले थे, x belongs to A intersection B पे आ गए.
अब एक चीज और देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है। सो यहाँ पे और नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन है मतलब एक्स ए में भी है और ए में भी है प्लस सी में भी है, इसका मतलब ये होता है इंटरसेक्शन का मतलब। इसका मतलब मैं सिंपली कह सकती हूँ कि x बिलोंग्स टू c है क्योंकि दोनों में है, मुझे तो c से मतलब है क्योंकि मुझे b इज द सबसेट ऑफ c दिखाना है। सो x b में था, मैंने दिखा दिया x c में है, हेंस b इज द सबसेट ऑफ c। इसी तरह x c में है b में दिखा सकती हूँ, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एक ही चीज बार बार, सिमिलरली करके लिख लो c इज द सबसेट ऑफ b, तो आपको इन दोनों से क्या मिल गया, दैट b इक्वल्स टू c। नाउ क्वेश्चन टू, फर्स्ट पार्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल देके बताना है। सो फर्स्ट, अगर एक्स ए में है और ए सेट जो है वो बी सेट में है तो एक्स बी में भी होगा। हाँ जी, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ए सेट मैंने ले लिया 1 2 और बी सेट मैंने ले लिया 1 1 2 3, तो इसका मतलब एक्स जो है, एक्स मैं ले लू 2 2 जो है ए में है और ए सेट 1 2 जो है वो बी में भी है। ए सेट बिलोंग्स टू बी आ गया, पर जो 2 है वो बी में नहीं है, आ गया कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल। सेकेंड, अगर ए बी का सबसेट है और बी सेट जो है सी में है तो ए सेट सी में होगा, फॉल्स। अगर मैं ए ले लू 2 और बी ले लू 0 2, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी आ गया, और सी को अगर मैं ले लू 1 0 2 3, 0 2 क्यों लिया, क्योंकि ये कंडीशन है कि जो बी है वो सी में आना चाहिए, बी जो सेट है वो सी में आना चाहिए, आ गया बी सेट सी में, पर ए सेट तो सी में नहीं है, 2 तो हमारा नहीं है सी में, सो कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड पार्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी होगा। अगर कोई चीज सच है ना, तो इन जनरल यू हैव टू प्रूव यस, ये तो वही चीज हो गई, a लेस देन b, b लेस देन c, तो a लेस देन c होगा या नहीं होगा, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर x a में है तो x b में होगा क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b है। अगर x b में है तो x c में होगा क्योंकि b इज अ सबसेट ऑफ c, सो दिस इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ c आ गया क्योंकि x a में लेके चले थे, x c में प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ, अगर a b का सबसेट नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है, a का, B अगर C का सबसेट नहीं है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है B में जो C में नहीं है, तो A नॉट सबसेट ऑफ B होगा, C होगा या नहीं होगा। देखो, अगर ये सबसेट है तो A इज अ सबसेट होता है, पर अगर सबसेट नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। एग्जाम्पल से देख लो, A ले लिया 1 2, B ले लिया 0 6 8, C ये वाला सेट ले लिया, तो A जो है वो B का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 2 एलिमेंट्स नहीं है B सेट में। B जो है वो C का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 8 एलिमेंट नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, पर A तो C का सबसेट है, A में 1 2 एलिमेंट है, C में 1 2 एलिमेंट्स है, राइट, सो दिस इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ X इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A और A जो है B का सबसेट नहीं है, तो X जो है वो B को बिलोंग करेगा। नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस टू एग्जिस्ट। अगर a मैं ले लू 3 5 7, b ले लू 3 4 6, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 जो एलिमेंट है वो a में है, पर जो a सेट है वो b सेट का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें 5 7 है, b में 5 7 नहीं है, राइट, पर 5 b सेट में तो नहीं है, ये कह रहा है कि x जो एलिमेंट है a में है तो b में भी होना चाहिए, 5 a में है पर b में नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिक्स, अगर ए बी का सबसेट है और एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं कर रहा बी को, तो एक्स एलिमेंट ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, यस एब्सोल्युटली। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब कि ए सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी सेट में हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी सेट में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है। ए सबसेट है बी का, मतलब अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा क्योंकि सबसेट है, ठीक है, और ये गिवन है कि x b में नहीं है, अगर x b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि b में सारे a के एलिमेंट्स हैं, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर, कौन से सेट्स एक दूसरे के सबसेट है, ठीक है। a सेट आपको गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12,
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो दो एलिमेंट्स आएंगे 2, 6, बी आपको सेट गिवन है, ये सी ये सेट गिवन है, डी ये सेट गिवन है, कौन किसका सबसेट है, मतलब सबसेट सुपर सेट कौन होगा जो उसको कंटेन करेगा। आप ध्यान से देखो, डी 6 है, अब 6 इसमें भी है, बी में भी है, ए में भी है, सब में है, मतलब डी इज द सबसेट ऑफ सी, डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। अब ए देख लो, ए में 2, 6 एलिमेंट्स है, अब 2, 6 और किस में है, सी में है, बी में है, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब देखो बी, बी में 2, 4, 6 एलिमेंट है, 2, 4, 6 किस में है, सी में है, सो बी इज द सबसेट ऑफ सी। सो मैंने इन जर्नल लिख लिया कि डी सबसेट है, सबसे छोटा सेट है, जो ए बी सी तीनों का सबसेट है, उसके बाद ए ए बी और सी दोनों का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ठीक है, और सी सबसे बड़ा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू रियली अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। इफ यू रियली अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो नई वीडियो आएगी विद इन अ डे और टू, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही आएंगे क्लास 11th क्लास 12th के। टिल देन बाय बाय, सी यू।